चंद्रपुर जिले में जब शराबबंदी थी तब से लेकर अब जिले से शराबबंदी हटा दी गई है। शराब व्यवसाय का मुद्दा हमेशा चर्चा में बना हुआ है और वही चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रशासन को निवेदन देकर मांग की गई कि जो भी शराब के दुकानदार नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। चंद्रपुर जिले में शराब व्यवसाय का मुद्दा लगातार सुर्खियों में किसी न किसी कारणवश बना रहता है। और वहीं चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामू तिवारी ने जिलाधिकारी को तथा राज्य उत्पादन शुल्क विभाग को एक निवेदन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि शराब का व्यवसाय करने वाले चंद्रपुर महानगर तथा जिले में नियमों का कठोर पालन करना चाहिए, मगर वे नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं और ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। निवेदन देते समय कांग्रेस के नेता अश्विनी खोबरागड़े, प्रवीण पडवेकर के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। तो सुनिए इस संबंध में कांग्रेस शहर अध्यक्ष रामू तिवारी ने क्या कहा स्वयं उन्हें की मानी। आज माननीय जिलाधिकारी साहब को और अधीक्षक उत्पादन शुल्क के एसपी साहब को हमने निवेदन दिए कि चंद्रपुर शहर में और पूरे जिले में जिस हिसाब से दारू की दुकानें, बियर शॉपी, देसी दारू की दुकानें अपने नियम के हिसाब से कोई भी दुकानें नहीं चल रही है, उसके लिए हमने एक निवेदन दिए कि 14 अप्रैल बाबा साहेब के जयंती के दिन पर कलेक्टर साहब ने उनको बंद रखने की लिकर एसोसिएशन को वो किए थे, पर उन्होंने हाईकोर्ट में जाके स्टे लेके आए। उसके ऊपर हमारा स्टे लाए उसके ऊपर कुछ नहीं, पर अगर बाबा साहेब जिन्होंने ये पूरे देश का संविधान लिखा है, अगर उस दिन अगर बाबा साहेब की जयंती के दिन अगर उन्होंने बंद रखते थे तो कोई उनका हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं होता था। और इसीलिए वो जब कलेक्टर साहब को नियम बताते हैं तो कलेक्टर साहब ने और एक्साइज विभाग ने भी उनको नियम के हिसाब से चलने की के लिए हमने निवेदन दिए कि जो भी दुकानें हैं वो नियम से चलने को ना। आज ना वाइन बार के पास में पार्किंग है, ना परमिट रूम में जो जाते हैं ना उनसे परमिट पूछा जाता है, ना 18 साल के कम वाले बच्चों को वहाँ रिस्ट्रिक्शन है। तो इसीलिए हमने कलेक्टर साहब को, उत्पादन शुल्क अधिकारी को हमने निवेदन दिया है। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव व्यारकर की रिपोर्ट।